नैमिष्य अरण्य चक्र तीर्थ आरो ऐसी तपस्या की उन्होंने नारायण। ओहो हो भगवान प्रसन्न हो गए। तावत प्रसन्नो भगवान, भगवान ने कहा मांगो आपको क्या चाहिए। उन्होंने बता दिया कि मेरे को अच्छी पत्नी चाहिए, मैं गृहस्थाश्रम में जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है, मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा, 10 कन्याएं होगी, मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा, सांख्य शास्त्र का निर्माण करूंगा और उसके बाद फिर तुम संन्यास के मार्ग पर चलोगे, महात्मा बन जाओगे। आज भगवान बड़े प्रसन्न है, भगवान की आंखों से प्रेम के अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और वो प्रेम के अश्रु जहां पर गिरी नारायण वो बिंदु सरोवर बन गया, वो बिंदु सरोवर कहलाया। भगवान अदृश्य हो गए और इदम करदम जी महाराज तपस्या करने लग गए। भगवान की प्रेरणा से मनु महाराज शत्रुपा के साथ और भी हजारों लोग उनके साथ थे, देवहूति को लेकर करदम जी महाराज जी के आश्रम में आ गए। करदम जी महाराज जी ने उनका स्वागत किया, आसन दिया, जलपान कराया और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और वो प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपका यहां आगमन कैसे हुआ। उनको मालूम था, करदम जी महाराज जी को मालूम था मनु महाराज आने वाले हैं, उनके बेटी के साथ मेरा विवाह होने वाला है, मेरी 9 कन्याएं होगी, एक बेटा आएगा, इतना सब कुछ मालूम होती है के बाद भी एक अज्ञानी की तरह करदम जी महाराज खड़े हैं मनु महाराज जी के सामने और वो पूछ रहे हैं आपके आने का आगमन क्या है। हमारे परम श्रद्धेय परम आदरणीय महामंडलेश्वर देवकी शरण जी महाराज जी का आगमन हुआ, धन्य हुए हम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कितना बड़ा शिष्टाचार, कितनी बड़ी विनम्रता है। करदम जी महाराज जी को मालूम है मनु महाराज आने वाले हैं, उनके बेटी के साथ मेरा विवाह होने वाला है, 9 कन्या पैदा होने वाली है और 10वें के रूप में स्वयं परमेश्वर बेटा बनकर आने वाले हैं। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी करदम जी महाराज एक अज्ञानी की तरह मनु महाराज जी को पूछ रहे हैं, भगवान आपके आने का प्रयोजन क्या है। ये आदमी की बहुत बड़ी सोच है। सामान्य व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा जानकार, बहुत बड़ा समझदार समझकर अपने आप को प्रस्तुत करता है। सामान्य आदमी ऐसा दिखाता है जैसे कि हमें भगवान के दर्शन हुए, आदेश मिला, हमारी जगह पर कोई होता तो मनु महाराज जी को यही बोलता, आइए आइए स्वागत है, हमको मालूम था आप आने वाले हैं, और ये भी बोलता कि आपकी बेटी के साथ मेरा विवाह होने वाला है, आप 9 कन्याएं होने वाले, वो सब कुछ बता देता। लेकिन अध्यात्म का वहां कोई प्रदर्शन नहीं है। इतनी बड़ी गहरी परमात्मा की अनुभूति हुई लेकिन उस अनुभूति का कोई प्रदर्शन नहीं है। अध्यात्म में अहंकार सबसे बड़ी बाधा है। आप जो भी कुछ हो और आपके अंदर होने का अभिमान है तो वो अहंकार है नारायण, और अहंकार आदमी का पतन है, उत्थान नहीं है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, पूछा प्रभु आपके आगमन का कारण क्या है। अहम त्वा सुनुध्वं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतम् अतस्त्वामुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिग्रहान् मे। मनु महाराज जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान
मैं चाहता हूं मेरी बेटी के साथ आपका विवाह हो। आप उपकुर्वान ब्रह्मचारी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी माने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधु वैरागी जीवन जीने का जो संकल्प है वो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य। और उपकुर्वान ब्रह्मचर्य माने 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन और उसके बाद फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश, और गृहस्थाश्रम में भी देश काल आदि को ध्यान में रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना, इसको बोलते हैं उपकुर्वान ब्रह्मचर्य। आप गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए हम कौन से देश में हैं, वहां थोड़ा संयम कर लेना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको संयम की आदत अपने में डालनी चाहिए। आप संयम की आदत डालोगे तो संयम की आदत बनी रहेगी। आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन से देश में हैं और आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपको समय का पता होना चाहिए, कौन सा समय है, कोई तिथि है, कोई एकादशी है, कोई व्रत है, त्योहार है। और जो अपने मन पर संयम करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उसको भी ब्रह्मचारी बोला गया है। हमारे शास्त्र ने उसको उपकुर्वान ब्रह्मचारी बोला है। मनु महाराज ने कहा कि आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी नहीं, आप उपकुर्वान ब्रह्मचारी हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे बेटी के साथ आपका विवाह हो। स्वीकार कर लिया इस रिश्ते को कर्दम जी महाराज ने, लेकिन शर्त रख दी सामने। उन्होंने शर्त रख दी, मैं विवाह करूंगा लेकिन जब तक संतान होगी अभी तक, और जैसे संतान होगी तो मैं संन्यास धर्म का पालन करूंगा, मैं महात्मा बन जाऊंगा। ये शर्त यदि स्वीकार है तो मैं आपके बेटी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हूं। यहां एक बहुत मजेदार बात है, मनु महाराज ने अथवा शत्रुपा ने इस रिश्ते को हाँ या ना नहीं बोला है, क्योंकि हमारी जो भारतीय परंपरा है वैवाहिक परंपरा बहुत अद्भुत परंपरा है। दुनिया में केवल एक बार विवाह होता है नारायण, हिंदुस्तान में डाइवोर्स नहीं होता है, न तलाक, तलाक और डाइवोर्स शब्द बाहर से आए हुए हैं। आपके संस्कृत भाषा में किसी भी भारतीय भाषाओं में तलाक अथवा डाइवोर्स का कोई शब्द नहीं है, एक ही बार शादी हो जाती है। आप पुराणों में कहीं नहीं सुना होगा कि किसी स्त्री का डाइवोर्स हुआ किसी राजा के साथ, शादी एक बार होती है। और उन दो पति पत्नियों में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, एक दूसरे को वो छोड़ नहीं सकते हैं, झगड़ा तो कर लेते हैं, जितना भी झगड़ा करना है वो झगड़ा भी कर लेंगे, थोड़ा धमकी भी देंगे लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बहुत अनुपम परंपरा, और इसीलिए इस परंपरा के मूल में एक चीज है और वो है स्वयंवर। स्वयंवर माने दुनिया में केवल स्वयंवर की अवधारणा भारत में। स्वयंवर माने स्त्री की इच्छा होना चाहिए, स्वयं वरने का अधिकार उसको होना चाहिए, क्योंकि एक बार शादी होने के बाद अलग होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए उसको सोचने का अवसर मिलना चाहिए, देखने का अवसर मिलना चाहिए। और ये बहुत ही वैज्ञानिक परंपरा थी स्वयंवर। उस समय बहुत सारे नवयुवक सामने आ जाते और वो उसको बताया जाता था, ये इतना पढ़ा लिखा है, इसकी इतनी उम्र है, ये अमुक अमुक अमुक, और वो माला लेके खड़ी रहती, जो पसंद आता उसके गले में वरमाला डाल देती, कोई वहां जबरदस्ती नहीं। ये बात ही स्वस्थ परंपरा थी नारायण। आपकी बेटी
किसी के साथ विवाह करना नहीं चाहती हैं, तो आपको जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। भारतीय परंपरा नहीं है, यहाँ पर पातिव्रत है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, दिल कहीं, प्रेम कहीं और शादी कहीं और बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारी परंपरा इसको स्वीकार नहीं करती है। जहां पर प्रेम हो वहीं पर विवाह हो, अथवा जहां पर विवाह हुआ वहीं पर प्रेम हो, तभी आपके जीवन में वो घटेगा प्रेम, और आपका जीवन वैवाहिक सफल होगा। नहीं तो आप बहुत जगह में बढ़ चुके होंगे, आप एक बात सुनते हो ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं यहां गिरा कहीं वहां गिरा, तो आपका ग्रस्त आश्रम आगे बढ़ेगा नहीं। इसलिए बहुत गहरे अर्थों में स्वयंवर एक बहुत वैज्ञानिक परंपरा थी, और इसी परंपरा का पालन करते हुए मनु महाराज जी ने अपने पति की पत्नी के तरफ इशारा किया, दामाद तो साधु बनने वाला है संतान पैदा होने के बाद, और वो दोनों देखने लगे देवहूति की तरफ। हमारे हाँ और ना कहने से क्या फायदा, बेटी इस रिश्ते को स्वीकार कर रही थी, और देख करके नारायण संकेत किया, बेटी तुमको ये रिश्ता स्वीकार है तो हाँ, और स्वीकार नहीं है तो वापस चले जाए। और कोई शिकायत नहीं, कोई दबाव नहीं नारायण, लेकिन मन ही मन गर्दम जी महाराज जी को देखकर देवहूति ने उनको स्वीकार कर लिया था, और वो मुस्कुराने लगी, इशारा कर दिया इस रिश्ते को मैं स्वीकार करता हूं। देवहूति के स्वीकृति के बाद वैदिक रीति से नारायण विवाह किया। हमारे यहां पर उपहार देने की परंपरा है, दहेज की परंपरा नहीं है। दहेज माने पहले से तय करके देना, और उपहार माने कोई पहले से बात नहीं हुई है, जो अपना सामर्थ्य है उसके अनुसार आप प्रदान करते हैं, वो उपहार है, और वो देह है, उसमें धर्म है, मर्यादा है, नीति है। लेकिन आप पहले से तय करके ले रहे हैं ना, ये दहेज है, ये हमारे शास्त्र में मान्य नहीं है, अनैतिक है, अधार्मिक है। और इस दहेज की परंपरा से अपने को अलग करने की जरूरत है। नारायण विवाह हुआ, बहुत बढ़िया धार्मिक रीति रिवाज से उपहार दिए, और उसके बाद विदा लेकर मनु महाराज अपने राजधानी की तरफ नारायण बढ़ गए। अब इधर कपिल महाराज जी के आश्रम में कर्दम जी महाराज अपने आश्रम में निवास करने लगे। बहुत बड़ा आश्रम था वो कोई जंगल में थोड़ी रहे थे, उनका गुरुकुल की तरह हो, बहुत बड़ा आश्रम था उनका। अब वो रहने लगे नारायण अपने पत्नी के साथ, देवहूति के साथ। लेकिन वो कैसे रह रहे थे मालूम है? ये हमारा जो धर्म है सनातन ब्रह्म, बहुत मजेदार ये कहानी आप क्यों सुनते हो? आप पुराणों को इतना प्रेम से क्यों सुनते हो? क्या है इसमें रहस्य? यही तो रहस्य है। कर्दम जी महाराज और देवहूति का विवाह हुआ, लेकिन इन दोनों को मालूम नहीं है शादी के बाद क्या किया जाता है। युवा है और दोनों एक ही कक्ष में शयन करते हैं, एक जगह पर बैठ के भोजन करते हैं, वर्षों बीते वर्षों, लेकिन दोनों को नहीं मालूम शादी के बाद क्या होता है। और उन दोनों में प्रेम की कमी नहीं नारायण, प्रेम की कमी नहीं है, अथाह प्रेम दोनों में, दो शरीर एक प्राण, इतना प्रेम, लेकिन दोनों को मालूम नहीं शादी के बाद क्या किया जाए, क्या पवित्रता है। अकाम निष्काम भाव से बस निवास कर रहे हैं। उधर भगवान को चिंता हो गई, क्योंकि भगवान ने कहा था नौ कन्याएं पैदा होगी, नवे के बाद मैं आऊंगा। भगवान ने सोचा कि नौ पहले पैदा हो तब मैं आऊंगा, और नौ तब पैदा होगी नारायण जब इनके मन में इच्छा पैदा हो। अब इच्छा कहां से पैदा हो, वो तो अकाम भाव से निर्मल भाव से तपस्या कर रहे थे। भगवान ने अपनी माया को भेज दिया, भगवान ने कहा थोड़ा इनके अंदर इच्छा पैदा करो। इच्छा भगवान को उनके मन में इच्छा पैदा करने के लिए माया को भेजना पड़ा नारायण।
एक दिन वो बैठे थे बहुत प्रेम से, और कर्दम जी महाराज ने बहुत प्रेम से पूछा, हे देवी, मेरे पास जो भी ऐश्वर्य है, जो साधना के द्वारा मैंने पाया है, इस आश्रम में जो सामर्थ्य है, बोले सब पर तुम्हारा अधिकार है, मांगो, तुमको क्या चाहिए। और उस समय भी देवहूति यही मांगना चाहती थी, मैं अकाम भाव से भगवान का भजन करूं, भगवान का जल्दी करो जल्दी। भगवान की प्रेरणा से नारायण उन्होंने मांग लिया, और क्या मांगा, उन्होंने कहा मेरे को संतान चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान को मालूम था नौ कन्याएं पैदा हो गई, और नौ कन्याओं के बाद मैं स्वयं बेटा बन के आऊंगा। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान को माता पिता मिल गए। कर्दम जी महाराज ने व्यवस्था की, नारायण संतान पैदा करने के लिए, उसके पालन पोषण के लिए एक बहुत सुंदर वहां कुंड था, वो बड़ा देवी कुंड था। कर्दम जी महाराज ने कहा, देवी इसमें स्नान करो। स्नान करके बाहर आ गई, सर्वांग सुंदर हो गई नारायण। वो बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी ना, वो सारी तप के द्वारा वो कृशकाय जो शरीर हो गया था वो ठीक हो गया। 1000 दासियों के साथ वो कुंड से बाहर आ गई, दिव्य वस्त्र पहनकर बहुत सुंदर एक विमान में विराजित हो गए, और वर्षों वर्षों तक भारत पूरे विश्व की परिक्रमा की उन्होंने, हिमालय, सातों समुद्र और दुनिया की हर चीज देखी नारायण ऊपर से, और पुनः अपने आश्रम में आए, एक एक करके साथ नौ कन्याएं पैदा हो गई। नौ कन्याओं के बाद भगवान का जन्म हुआ। स्वयं ब्रह्मा जी आए और उन्होंने उनका नाम रखा नारायण, कपिल। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान ने यहां पर बहुत एक सुंदर बात बोली है। भगवान ने कहा आप जाइए जाइए, गच्छ कामम मया पृष्टो मयि सन्न्यस्त कर्मणा जीत्वा सुदुर्जयम् मृत्युम् अमृतत्माय माम भज। माम आत्मानं स्वयं ज्योति सर्वभूत गुहाशयम् आत्मन्नेवात्मना वीक्ष विशोको भयमृच्छसि। गच्छ कामम मया दिष्टम्। आप चले जाइए, सन्यास ग्रहण कीजिए, और आत्मरूप जो मैं उसका अनुभव कर इस दुनिया के काम को, वासना को जीत लीजिए, और जो मेरा अभय पद है मोक्ष, उसको प्राप्त कर लीजिए। भगवान का आदेश हुआ नारायण। कर्दम जी महाराज जी छोड़ करके चले गए गंगा सागर, और गंगा सागर में जाके असंगता को जीवन में ग्रहण किया। सारी चीजें जीवन की थी सब को छोड़ दी उन्होंने नारायण, और वहां बैठ करके वो तपस्या करने लगे। निरंकृति निर्ममश्य निर्द्वंद्व समदृक स्वदृक प्रत्यक प्रशांत धीर धी प्रशांतो मेर बोध। आहा, एक ही श्लोक में जो उन्होंने पाया वो सब कुछ बता दिया ना। निरंकृति निर्ममश्य, अब उनके जीवन में कोई अहंकार नहीं, कोई ममता नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई विषमता नहीं, और कोई बहिर्मुखता नहीं। स्वदृक अपने भीतर देखते थे बस, केवल अपने आप को, और इसी प्रकार वो विचरण करते थे नारायण। थोड़ा इधर समय गुजर गया, कपिल भगवान के मन में भी वैराग्य हो गया। कपिल भगवान ने माँ से प्रार्थना की, माँ मैं महात्मा बनना चाहता हूं। माँ ने कहा, बेटा मैं या अकेली हूं, तुम मेरे को ज्ञान का उपदेश करो, ज्ञान का उपदेश करो, और मेरे अंदर जो तुम्हारे प्रति प्रेम है, वात्सल्य, उसका छेदन करो। तुम्हारे प्रति मेरे मन में बहुत गहरी आसक्ति की भावना, ये मेरा बेटा,
बहुत दुनिया के प्रति आसक्ति है, उन आसक्तियों का छेदन करो। भगवान ने यहाँ पर ज्ञान का उपदेश किया है। नारायण जिज्ञासया हम प्रकृति पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेय साय मे अत्यंत उपर्त्रियत्र दुखस्य च सुखस्य च। भगवान ने माँ को बोला, माँ जहाँ पर भी आपकी सुख बुद्धि है और दुख बुद्धि उसका त्याग कर, सुख और दुख से ऊपर हो जाओ। बहुत गहरी बात बोली, अपने पास समय बहुत कम है। ये भागवती कथा कम से कम 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को होना चाहिए। अब अगली बार कुंभ में कभी भी कथा हो महाराज, सुबह 3 घंटे शाम को 3 घंटे, और वो लंबी लंबी सारी कथाओं को बोलना चाहिए। इतनी सुंदर कथा है। सुख भी बंधन है। जब हम कोई चीज सुखद पाते हैं तो वहां चिपक जाते हैं, अटक जाते हैं, वो बंधन हो जाता है। इसलिए आदमी को सुख से अपने मन को ऊपर उठा लेना चाहिए, दुख से भी आदमी को अपने मन को ऊपर उठा लेना चाहिए, और सुख से भी आदमी को अपने मन को ऊपर उठा लेना चाहिए। आपको कभी दुख मिले तो बहुत जल्दी व्यथित नहीं होना चाहिए, और सुख मिले तो बहुत ज्यादा फूलना नहीं चाहिए। आप दुख में बहुत ज्यादा व्यतीत होते वो भी बात अच्छी नहीं है, और सुख मिला तो बहुत फूल गए ये भी अच्छी बात नहीं। मन को सम रखना चाहिए, आदमी को सहनशील होना चाहिए। भगवान ने उपदेश किया माँ को, माँ को भगवान ने बोला, माँ सुख और दुख इन दोनों से ऊपर हो जाओ, अपने मन को ऊपर कर लो, ऊपर उठाओ, तो आप सुख की व्यवस्था की चीजों में अटकोगी नहीं, और जो दुख देने वाली चीजें उनसे तुम घृणा नहीं करोगी, राग द्वेष से मुक्त तुम्हारा चित्त होगा, और वो समाधि को पाने योग्य बनेगा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंतःकरण में जो प्रेम है वो भगवान को समर्पित करो, बस और कुछ नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम समर्पित करो। बैठ के जप करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, प्राणायाम करो, सत्संग करो। बहुत उपदेश किया है यहाँ। माँ का चित्त रम गया, जम गया, माँ एकाग्र हो गई, भगवान समझ गए अब माँ को ज्यादा उपदेश की जरूरत नहीं है। समझदार आदमी को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो बेवकूफ आदमी है ना उसको बहुत बार बार समझाने की जरूरत, उसके बाद भी वो समझता नहीं है, और समझदार आदमी हो एक वाक्य में समझ लेगा, फटाफट समझ लेगा। माँ अंतर्मुख हो गई नारायण, भगवान वहां से चले गए, गंगा सागर जाके भगवान तपस्या करने लगे, मैया इधर बैठ के साधना करने लगी। धीरे धीरे माँ की सारी वासनाएं समाप्त हो गई, देह भाव समाप्त हो गया, अज्ञान मिट गया, आत्मस्थ हो गई, समाधि का अनुभव करने लगी। अब माँ का देह के ऊपर ध्यान नहीं था, न कपड़े पर, न खाने पर, न वस्त्र पर, ओहो अपने में रहती थी मैया। और इसी आत्मस्थिति में जीवन मुक्ति का अनुभव करते हुए माँ समाधि में रहने लगी। समय आया, प्रारब्ध समाप्त हुआ नारायण शरीर का, और माँ का शरीर छूटा, और छूटते ही ये शरीर एक नदी की धारा बनकर वो प्रवाहित होने लगा, और उस नदी का नाम पड़ा सिद्धपदा नदी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। माँ का शरीर छूटा, लेकिन माँ के शरीर को संस्कार देने की आवश्यकता नहीं रही, माँ के शरीर को किसी ने जलाया नहीं देवहूति के शरीर को। जैसे शरीर छूटा और वो शरीर जल की धारा बन गई, और वो प्रवाहित होने लगे नारायण, एक नदी बनी, एक तीर्थ बना। माँ का बड़ा जीवन पवित्र था देवहूति का, ऐसे पवित्र दाम्पत्य कर्दम जी महाराज और देवहूति को हम नमस्कार करते हैं। नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। अभी समय पूरा हो गया है, हमें बहुत दूर जाना है आज।
कल 3 बजे से 6 बजे तक कथा होगी, ठीक है ना। कल आप बिल्कुल समय पर 3 बजे 3:15 समझ लो, मैं तो 3:15 बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा और करेक्ट समय पर कथा शुरुआत करेंगे। 6 बजे तक कथा चलेगी, जिससे कि ये बाहर के जो प्रतिबंध हैं वो नहीं आएंगे। अभी मैं अपने कथा को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। Yeah.
श्याम मेरे राधे घनश्याम मेरे श्री घन श्याम मेरे राधे घन श्याम मेरे श्री घन श्याम मेरे राधे घन श्याम कृष्ण सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। प्रयागराज की जय हो। भरद्वाज जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह भागवत जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान
परम शुद्धय परम आदरणीय महामंडलेश्वर आचार्य परम विद्वान परम तपस्वी स्वामी श्री चंद्रशेखरानंद सरस्वती जी महाराज, मंच पर विराजमान अन्य संत वृंद, भगवान की कथा का श्रवण करने वाले पवित्र आत्मा श्रोताजन साधकजन, बड़े ही सौभाग्य से तीर्थराज प्रयाग में सभी महात्माओं के मध्य में कुंभ के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का श्रवण आप कर रहे हैं। अनेकों प्रसंगों का आप श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी की वाणी, वेद सम्मत सनातन परंपरा का सर्वोच्च ग्रंथ, मानवीय जीवन में प्रेरणा, समझ, सत्य आदि दैवी भावों को प्रकट करने के लिए इस ग्रंथ का उदय हुआ है। ये ग्रंथ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, न किसी एक जाति के लिए, न छोटे के लिए, न बड़े के लिए, न स्त्री के लिए, न पुरुष के लिए, अपितु जो भी सत्य को चाहता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, उस व्यक्ति को सत्य धर्म को प्रदान करने के लिए ही श्रीमद् भागवत जैसे महान ग्रंथ का उदय हुआ है। यही कारण है महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने जब मंगलाचरण किया तो अपने इष्ट को उन्होंने किसी नाम से संबोधित नहीं किया। जन्मादिश्यतोन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो विषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तपुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने उस सत्य को याद किया, मैं उस सत्य का ध्यान करता हूं। मैंने उस परमात्मा को उन्होंने सत्य के रूप में स्थापित किया और जो सत्य है सब में अनुगत है, या सब में जो अनुगत है वो सत्य। आपके जीवन में पाने वाला वो सत्य परमात्मा के रूप में इस व्यापक विश्व में जो सत्य है, अब आप किसी भी पंथ के, आप किसी भी जाति के, वर्ण के, छोटे बड़े, बूढ़े जवान बच्चे, आप उस सत्य को पा सकते हैं। और यही तो भागवत धर्म की विशेषता है। भागवत माने मानव मात्र के कल्याण का मार्ग बताने वाला ग्रंथ।
और यहां बहुत अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं, और जितने भी चरित्र हैं आपको संदेश देते हैं। भागवत कोई मनोरंजन का ग्रंथ नहीं है, मनोरंजन के साधन तो आपके पास बहुत सारे हैं। आपके जीवन में मनोरंजन की कमी नहीं है, आपके जीवन में सत्य की कमी है, धर्म की कमी है, और उस कमी को पूर्ण करने वाला ये आपका ग्रंथ है। जिन भक्तों के चरित्र, जिन साधकों के चरित्र, राजा महाराजाओं के चरित्र आपके सामने रखा जाता है, वो कोई आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। ये सारे चरित्र आपको इसलिए बताए जाते हैं कि आप उससे कुछ सीख सको, आपके जीवन में कोई समझ आ जाए, आपके जीवन में कोई सत्य का प्रकाश हो, आपके जीवन में कोई वैराग्य की अवधारणा पैदा हो जाए। यही तो प्रयोजन है, सबसे बड़ा जो प्रयोजन है इन कथाओं के माध्यम से आपके जीवन में सत्य प्रकट हो। कोई मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन के साधन तो हमारे जीवन में बहुत सारे हैं। ये भागवत मनोभंजन का ग्रंथ है, मन की वासना को निकालकर उसमें वैराग्य को भरने वाला ग्रंथ है। आपके सामने बहुत ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में अध्यात्म का आरंभ किया और साधना के द्वारा उन्होंने सत्य को पा लिया। 5 वर्ष के उम्र के नारद जी महाराज, 5 वर्ष की कोई उम्र होती है क्या? आदमी की बहुत सारी उम्र गुजर जाती है लेकिन होश नहीं आता है, बेहोशी में जीवन चला जाता है। बहुत लंबी उम्र होने से कोई जरूरी नहीं कि आदमी बड़ा होशवान होगा, बड़ा समझदार होगा। समझदारी उम्र से नहीं होती है। 5 वर्ष के बालक में भी बहुत बड़ी समझदारी हो सकती है, वो आध्यात्मिक रूप से बहुत सजग हो सकता है, और एक 80 साल का आदमी भी बेहोश हो सकता है। बड़ा ही सुंदर चरित्र यहां 4th स्कंद में मनु महाराज की 5 संतानों में एक देवहूति का विवाह हुआ, ये आपने कल श्रवण किया। उनके 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद एक महान भगवान के भक्त, महान साधक ध्रुव के पिता है। और आपको याद रखना चाहिए, जो भी चरित्र आपको सुनाया जा रहा है, इन चरित्रों का एक उद्देश्य, और वो उद्देश्य है आपके जीवन में समझ, संयम, सदाचार आदि गुणों का विकास करना है। ये सारे चरित्र तो केवल एक माध्यम है, सनकाद्या नारदश्च ऋभुर्हंसो रुनिर्यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता यावसेरूर्ध्वचेतस प्रियव्रतोत्तानपादो
शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं उत्तानपाद माने उत्थान, पाद माने स्वरूप, जिसका स्वभाव है ऊर्ध्वगामिता, ये जीव का प्रतीक है। हमारे जीवन का उद्देश्य है ऊर्ध्वगामी, हमारे जीवन का उद्देश्य है ऊपर नीचे नहीं। हमारे जीने का जो स्वभाव है, जीवन का उद्देश्य ऊर्ध्वगामी विचारों को पैदा करना है, उत्थान है पतन नहीं है। आप हर जगह पर श्रवण करते हैं ये जीव शिव का रूप है, ऊर्ध्वमूल मदशाख, इसका ऊपर मूल है माने परमात्मा। ऊर्ध्वगामी होना ही स्वभाव है इसका, लेकिन अपने वासना के कारण वो पतनशील हो जाता है। वासना के कारण वो बहता है नदियों में नालों में, लेकिन उसका स्वभाव उठना है। जैसे गर्मी में पानी बाष्प बनता है और ऊपर आकाश में बादलों के रूप में तैरता है, उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां, एक का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। ये नाम भी बड़े मजेदार हैं। सुनीति, जिसके साथ नीति शब्द जुड़ा हुआ है, और दूसरे के साथ रुचि शब्द जुड़ा हुआ है। कठोपनिषद में दो चीजों का प्रतिपादन किया आचार्य यम के पास। जब नचिकेता साधक पहुंचे, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत्, उन्होंने कहा कि दो मार्ग, एक श्रेय और दूसरा प्रेय। श्रेय माने नीति का मार्ग है, श्रेय माने सत्य का मार्ग है, श्रेय माने संयम का मार्ग है, श्रेय माने समझ का वैराग्य का मार्ग, ऊर्ध्वगामी ऊपर उठने का मार्ग है। और दूसरा जो मार्ग है वो प्रेय, प्रेय माने रुचि प्रवृत्ति वासना भोग विलासिता। ये दो मार्ग हैं आपके सामने, एक योग का दूसरा भोग का, एक प्रवृत्ति का दूसरा निवृत्ति का। आप क्या चाहते हैं? आपके सामने दो मार्ग हैं, आप क्या चाहते हैं? आप योग चाहते हैं कि भोग चाहते हैं? और जो चाहते हैं आप उस मार्ग से चलोगे और वो मार्ग अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। इसलिए मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। आप जब मार्ग चयन करते हैं तो उस समय समझ, मार्ग के चयन में समझ की संयम की बहुत आवश्यकता है। बहुत बार हमें मार्ग अच्छा मालूम पड़ता है, इसलिए श्रुति ने कहा वो प्रेय है। ये संसार का मार्ग हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, वो प्रिय मार्ग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो श्रेय हो। आपको अपने जीवन के श्रेष्ठतम लक्ष्य को लक्ष्य तक पहुंचाने वाला हो ये जरूरी नहीं है। बहुत फूलों से होके गुजर रहा है मार्ग, वासना का मार्ग है, बहुत मन को भाता है, मन को बहुत आकर्षित करता है, लेकिन वो हमें ले जाता है विलासिता में,
वो ले जाता है तनाव में, विषाद में, शोक में। वो कंटका किरण मार्ग है। यहां पर एक बहुत बड़े सत्य का उद्घाटन किया महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने। उत्तानपाद राजा की दो पत्नियां, ये जीव का स्वभाव उत्तानपाद, और दो मार्ग, एक प्रवृत्ति और दूसरा निवृत्ति, एक रुचि और दूसरे तरफ नीति है। आप कल्पना करो, आप भोजन करने के लिए बैठे हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन आपके सामने है, और उसी समय मालूम पड़ जाए एकादशी है। आप मुश्किल में पड़ोगे, आपको क्या करना है? आपका मन झुकेगा भोजन के तरफ, ये रुचि है। हाँ। और राजा के जीवन में भी वही है जो आम आदमी के जीवन में है, रुचि ज्यादा है, नीति कम है, भोग ज्यादा है, योग कम है। उनका मन प्रवृत्ति में है, निवृत्ति में नहीं है। बस बढ़िया बढ़िया भोजन हो जाए, भोग विलासिता की चीजें मिल जाए, और आराम से सोते पड़े रहे। ये तो मार्ग भोग का है, और इस मार्ग पर चलने के लिए आपको बहुत बड़े प्रज्ञा की चेतना की जरूरत नहीं है। ये एक पाशवीय चेतना है, ये एक पशुतुल्य चेतना है। आप सुबह उठकर आप ध्यान करने, साधना करने हैं, गंगा मैया में स्नान करने, साधु महात्माओं के दर्शन कर रहे हैं। आपकी उच्चतम प्रज्ञा, इसके लिए देवी भाव की आवश्यकता है। ये पशुता के ऊपर उठे बिना संभव नहीं है। और दोनों के एक एक पुत्र हैं। सुरुचि के पुत्र का नाम है उत्तम। ओहो उत्तम, आपको हर चीज उत्तम मालूम पड़ती है। ओहो भोजन किया, रुचि पूर्वक मिला, उत्तम। ओहो ओ। और दूसरे का जो नाम है ना, वो ध्रुव है। ध्रुव, ध्रुव माने निश्चल, ध्रुव माने अटल। जहां पर भी सत्य है वहां ध्रुव है, जहां पर भी सत्य है वहां अटल है। भगवान ने कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो अपने विचारों में स्थिर होता है, अपने विचारों में अटल होता है, अपने विचारों में स्थिर होता है, वो बहुत धीर होता है, बहुत वीर होता है। आप एक बार संकल्प करेंगे और उस मार्ग पर चल पड़ेंगे, आप विचलित नहीं होंगे। सत्य का मार्ग है, अध्यात्म का मार्ग सत्य का मार्ग है। और ये संसार का जो मार्ग है, अनेक विध प्रवृत्तियों का मार्ग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अनेक विध प्रवृत्तियों को पैदा करने वाला, अनेक विध रुचि और स्वभावों को पैदा करने वाला मार्ग, बहुशाखा अनंताश्च अनंत अनंत। आप देखो संसार में अनंतता फैली हुई है, संसार का कोई अंत नहीं है। आप जहां पर भी खड़े रहोगे वहां से दुनिया मालूम पड़ेगी, और वो उतनी मालूम पड़ेगी। आप कितना भी दूर चले जाओ, उससे आगे और उससे आगे गोल दुनिया है। दुनिया गोल है ना, आप इसको अंत कैसे पाएंगे? और ये ब्रह्मांड भी गोल है, आप इसका अंत नहीं पा सकते, वासना का अंत नहीं पा सकते। लेकिन आध्यात्मिक आदमी का मन अटल होता है, निश्चल होता है। एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात कही, उन्होंने कहा कि भाई संसार का आदमी बिना पेंदे के लोटे की तरह होता है ना? संसारी आदमी का मन बिना पेंदे के लोटे की तरह, आप रख दो किधर लुढ़क जाए, कोई ठिकाना नहीं है।
क्योंकि उसका जो आधार है वो ठीक नहीं है, वो किधर लुढ़क जाए उसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक आदमी उसका आधार, उसकी निष्ठा, उनके विचारों की स्थिरता, उसके सोच की प्रामाणिकता उसको एक बनाए रखती है। वो अपने विवेक पर निर्भर रहता है, वो दूसरे के विवेक से काम नहीं लेता। ये सारी दुनिया आपके विवेक को डगमगाने वाली है, ये दुनिया आपके विचारों को अस्थिर करने वाली है। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है वो स्थिर होता है, अटल होता है, ध्रुव होता है।